बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के पति विराट कोहली और एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया फंस चुके हैं एक लीगल मैटर में। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने लोगों को सट्टेबाजी करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिस कारण लोगों ने सट्टा खेला और उन्होंने बहुत भारी नुकसान झेला। ऐसे में कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। ये मामला अब बहुत तूल पकड़ चुका है, पार्लियामेंट तक इस मामले की गूंज पहुंच गई है। यही कारण है कि अब विराट कोहली और तमन्ना भाटिया को भी इस मामले में लीगल नोटिस मिल चुका है। ऑनलाइन रमी गेम को प्रमोट करते हैं विराट कोहली और तमन्ना भाटिया। ये दोनों ही इस गेम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोनों के कई सारे एड्स आप ऑनलाइन मीडिया पर देख सकते हैं। ऐसे में क्योंकि ये यूथ आइकन है, लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इस तरह के गेम्स डाउनलोड करते हैं, इन गेम्स को खेलते खेलते इन गेम्स की लत लग जाती है। इन गेम्स में लोगों को लालच दिया जाता है। कई लोगों ने इन गेम्स में अपना पैसा लगाया, जिसके बाद उन्होंने भारी नुकसान भी झेला है। इनफैक्ट तेलंगाना में एक शख्स ने 2.1 मिलियन रुपीस इस पूरे गेम में खोए, जिसके बाद उसने सुसाइड भी कर ली। यही कारण है कि तेलंगाना में ऑनलाइन रमी गेम पर बैन भी लग चुका है और अब कहा जा रहा है कि पूरे देश से इस गेम को बैन कर देना चाहिए। 27 साल का विनीत नाम का लड़का था, जिसने 2.1 मिलियन रुपीस का नुकसान झेला रमी गेम के कारण, जिसके बाद इसे तेलंगाना में बैन कर दिया गया। अब विराट कोहली और तमन्ना भाटिया को भी नोटिसेस मिल गए हैं इस मामले में, क्योंकि वो इसी तरह के गेम को प्रमोट कर रहे हैं जो कि सट्टेबाजी सिखा रहा है लोगों को। ये मामला पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ, जहां पर कहा गया कि ये जो ऑनलाइन गेम है, ये पैसों का लालच देकर लोगों के पैसे हड़पते हैं। संजेश करके एक व्यक्ति है जिसको खुद को इस गेम की लत लग गई थी। उसका कहना है कि उसकी तरह कई सारे लोगों ने इस गेम में लाखों रुपए गवाए हैं। संजेश ने 6 लाख रुपए इस गेम में गवा दिए, जिसके बाद वो मेंटली काफी डिप्रेस हो गया था। उसे इस गेम की लत छोड़ने के लिए मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ी थी। जाहिर सी बात है, विराट कोहली उन सेलिब्रिटीज में से एक है जो ब्रांड एंडोर्समेंट के सबसे ज्यादा रुपए सालाना कमाते हैं। ऐसे में ये सेलिब्रिटीज पैसों के चक्कर में ये तक नहीं देखते हैं कि इस गेम को या जिस चीज को वो एंडोर्स कर रहे हैं, उससे युवा पर या लोगों पर क्या असर पड़ेगा। विराट कोहली ही पहले स्टार नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे स्टार हैं जो अल्कोहल टबैको को प्रमोट कर चुके हैं सोशल मीडिया पर, और इन्हें रोकने के लिए कई बार आवाजें भी उठ चुकी है।